नमस्कार दोस्तों, 132 के वी एस एफ 6 सर्किट ब्रेकर का ये सीरीज़ है। हम लोग क्लोजिंग सर्किट डिस्कस कर रहे थे और अभी हम लोग क्लोजिंग सर्किट के लिए क्या क्या इंटरलॉक्स हैं, तीन इंटरलॉक्स बेसिकली हम लोग समझे और तीन इंटरलॉक्स के बाद एक एंटी पंपिंग के बारे में हम लोग अभी सोच रहे थे कि एंटी पंपिंग कैसे करता है। चलिए, अब क्या है एंटी पंपिंग के बारे में जानने से पहले, ये जो पॉजिटिव कमांड बार बार हम लोग देने की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव कमांड आखिर कैसे आएगा? ये पॉजिटिव कमांड कैसे आएगा? या तो कोई पुश बटन लगा हो, या तो अपना ब्रेकर का लोकल का टीएनसी स्विच हो, या फिर रिमोट का टीएनसी स्विच हो। रिमोट मतलब कंट्रोल पैनल का टीएनसी स्विच हो। तो अभी हम लोग लोकल की ही बात करते हैं, रिमोट की बात बाद में करेंगे। ये लोकल टीएनसी स्विच है, ठीक है, लोकल टीएनसी स्विच है। इसके पास जो है पॉजिटिव परमानेंट, अभी के लिए हम दिखा दे रहे हैं, अभी परमानेंट पॉजिटिव नहीं होता, बेसिकली दिखा ही देते हैं। चलिए, इसके पास जो है परमानेंट पॉजिटिव आता है एलआर स्विच से होकर के। किसके पास से? एलआर स्विच, लोकल और रिमोट स्विच से होकर। लोकल और रिमोट स्विच तय करता है कि ब्रेकर का ऑपरेशन लोकल से किया जाए या रिमोट से किया जाए। रिमोट मतलब कंट्रोल पैनल, लोकल मतलब ब्रेकर के अंदर का टीएनसी स्विच। तो जब लोकल की ओर घुमा रहेगा तो ये पॉजिटिव एक्सटेंशन होकर के और ब्रेकर के टीएनसी स्विच पर जाएगा। जब रिमोट की ओर घुमा रहेगा तो जो पॉजिटिव इधर से आ रहा होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये एलआर स्विच हमने बनाया, एलआर स्विच का जब इस जगह पर डॉट बनाया, डॉट बनाया, ये इस तरीके से बनाया। इसका कहने का मतलब जब लोकल की ओर घुमा रहेगा तो यहाँ से जो परमानेंट पॉजिटिव, ये जो परमानेंट पॉजिटिव है इस पॉइंट से, ये जो परमानेंट पॉजिटिव है, ये एलआर स्विच भी अब लोकल की ओर घुमा रहेगा तो यहाँ से बढ़ के ब्रेकर के अपने टीएनसी स्विच पर जाएगा। और टीएनसी स्विच में जब हम क्लोजिंग का कमांड देंगे, यहाँ पर हल्का डॉट दिया, जब क्लोजिंग का कमांड देंगे तो क्या होगा कि इस ये पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल इधर से जा रहा था तो ये इस तरफ चला जाएगा। टीएनसी एक स्प्रिंग स्विच होता है, मैक्सिमम यूजर्स ने देखा होगा, मतलब इंपल्सिव कमांड जाता है, मतलब जितनी देर तक टीएनसी स्विच जो है सी की ओर घूमी हुई है उतने देर तक कमांड जाएगा। जैसे ही वो छूट करके नॉर्मल की ओर आ जाएगी तो कमांड नहीं जाएगा, मतलब एक इम्पल्स जाना है और कॉइल को एक्चुएट करना है, कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं जाना है। लेकिन अगर किसी गलती की वजह से, मान लीजिए किसी यूजर ने ज्यादा देर तक इसे घुमा कर रख दिया, तो क्या होगा, सिग्नल बहुत लंबे समय तक जाते रहेगा। हालांकि सिग्नल को जाने के बाद जैसे ही ब्रेकर क्लोज हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए क्या हमारे पास अवेलेबल है, ब्रेकर का एनसी अवेलेबल है, स्प्रिंग भी डिस्चार्ज हो चुका होगा, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर एक केस ऐसा सोचे कि अगर ये दोनों ने अपना काम नहीं कर पाया, मेल फंक्शन कर गया, तो हमारे पास एक एडेड बैक एंड सुरक्षा क्या है, K75। तो कैसे काम करेगा भाई, यूजर ने ज्यादा देर घुमा के रख दिया या टीएनसी स्विच का स्प्रिंग टूट गया और क्लोजिंग का कमांड जो है कंटिन्यूअस जाने लगा, तो वैसे अवस्था में क्या होगा, ये K75 कोई नहीं बचाएगा, तो भी बैकअप में K75 बचाएगा। कैसे बचाएगा भाई, ये देखते हैं। K75 क्या करेगा कि जिस जगह से इसको कमांड मिल रहा है उसी जगह से K75 भी अपना कमांड डिराइव करेगा, मतलब ये कमांड जो इधर जाना है वही कमांड इस तरफ भी जाना है, ठीक है, सेम कमांड। अब क्या होता है भाई, K75 कैसे करके कमांड लेगा, यहां से यहाँ क्या डायरेक्ट जोड़ दे, नहीं, कुछ कंडीशंस को K75 भी मानेगा कि भाई हम एंटी पंपिंग की गलत पंपिंग हो रही है कमांड की, ये बात कैसे तय करें। तो जब ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो वैसे केस में तय होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो जस्ट इसका उल्टा एक एक करके जोड़ते जाते हैं। और यहाँ क्या, ये सीरीज में सारी सही कंडीशंस को दिखाई गई है, मतलब ये सारी कंडीशंस जो सही है सबका होना जरूरी है, ठीक है, जो सारी कंडीशन सही है सबका होना जरूरी है। लेकिन अगर गलती हो तो किसी एक से भी गलती होने पर एंटी पंपिंग को आ जाना चाहिए। तो यहाँ सीरीज दिखाए, यहाँ क्या करेंगे, पैरेलल दिखा देंगे। तो चलिए, एक इसका अपना बस बना लिए, बस बना करके एक एक कंडीशन लेते हैं। पहले क्या है भाई, 52 का एनसी कॉन्टैक्ट, मतलब ब्रेकर ट्रिप अवस्था में है। अब क्या है भाई, ब्रेकर ट्रिप में है तो क्लोजिंग कमांड दे दीजिए, अगर ब्रेकर ट्रिप नहीं है, क्लोज है, तो क्लोजिंग कमांड नहीं जाना चाहिए। अगर ब्रेकर क्लोज है और यूजर को समझ में नहीं आया, या टीएनसी स्विच का कॉन्टैक्ट शॉर्ट कर गया, स्प्रिंग टूट गया और क्लोजिंग कमांड जाना चाहेगा जबरदस्ती, तो यहां जाने के बजाय एंटी पंपिंग में जाएगा। यहां क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये भी खोल देगा, ये भी खोल देगा। मान लेते हैं दोनों फेल भी कर जाए तो भी K75 बचा लेगा। कैसे, अभी यहां एनसी लगाया था, यहां क्या लगा दिया, एनओ, ठीक है, एनओ, किसका एनओ भाई, 52 का एनओ। कहने का मतलब क्या कि ब्रेकर जब क्लोज है तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये तो उधर जाने नहीं देगा, लेकिन ये तो कंडक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव से ये कमांड यहां तक जाने दे देगा, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट लगा दिया एनओ, ठीक है,
मतलब अगर ब्रेकर क्लोज है और उस पर किसी ने कमांड दे दिया गलती से, या टीएनसी स्विच खराब होकर कमांड चला गया, तो क्या होगा, कमांड इधर से जाने के बजाय यहाँ एंटी पंपिंग से चला जाएगा। ये जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा ये भी खुल जाएगा, ठीक है, कि अगर ये दोनों फेल भी कर जाए तो भी ये खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा भाई, K75 एनर्जाइज जाएगा तो NC जो है वो O बन जाएगा, मतलब NC जो अभी तक कंडक्टिंग था वो अब नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रेकर क्लोज हो तब अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा, स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ है और वैसे कंडीशन में जो है हम लोग ब्रेकर को क्लोजिंग कमांड देना चाह रहे हैं, स्प्रिंग चार्ज नहीं है कमांड देना चाह रहे हैं, तो स्प्रिंग चार्ज जब नहीं है तो क्या है, उसका NC कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा होगा। स्प्रिंग चार्ज अगर है तब तो NO करेगा, स्प्रिंग चार्ज अगर नहीं है तो NC करेगा। तो स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो क्या होगा, उसका NC कॉन्टैक्ट हमने लगा दिया, यहाँ दिखा दिया, मतलब ये S16। अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ठीक है, स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो इधर से तो नहीं जा पाएगा, एंटी पंपिंग में चला जाएगा और एंटी पंपिंग जो है पिकअप हो जाएगा तो पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ी है। दो 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 केसेस हमको मिल गया, एक जो है ब्रेकर का NO और एक स्प्रिंग चार्ज, जो ब्रेकर का NO और स्प्रिंग चार्ज का NC, ठीक है। तीसरा क्या है कि एक ऐसा कंडीशन आ जाए, ये तो क्या है कि इम्पल्स की बात है, ठीक है। अब जब तीसरा एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि मान लेते हैं कि यहां से ये कमांड जो है एक बार के लिए गया और उसके बाद K75 के पास पिकअप हो गया, पर जैसे ही ये कमांड जाना बंद होगा तो K75 भी अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो K75 का होल्डिंग सर्किट के लिए क्या करते हैं, खुद K75 का एक NO कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, एक NO कॉन्टैक्ट खुद K75 का लगा देते हैं। ये क्या, इसका होल्डिंग सर्किट, मतलब एक बार इस या इस रूट से जहां इसको इम्पल्स मिल गया तो उसके बाद जो है K75 अपने आप एनर्जाइज रहेगा, उसके बाद K75 अपने आप एनर्जाइज रहेगा। अब जो है K75 का एनर्जाइज होने के बाद क्या होगा कि ये NC जो है O बन जाएगा और क्लोजिंग सर्किट को नहीं चलने देगा। इसीलिए जब एंटी पंपिंग वहां आ जाता है तो आपको क्या है कि वहां पर एक बार ट्रिप की ओर घुमाना पड़ता है। ट्रिप की ओर घुमाने से क्या होगा कि जो कमांड आ रहा है इधर से कंटिन्यूअस कमांड, जब तक वो कमांड ऑफ नहीं होगा तब तक, मतलब कहने का क्या, फिर से एक बार समझिए, अगर यहां से कंटिन्यूअस कमांड आ रहा है, अगर यहां से कंटिन्यूअस कमांड आ रहा है और स्प्रिंग डिस्चार्ज है तो एक बार इसको कमांड मिल गया, या ब्रेकर क्लोज है तो इस रास्ते से इसको कमांड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, और कमांड जो है अभी तक कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया, किसी ने चेक करने के दौरान में ब्रेकर को, चेक करने के दौरान में क्या करा, ब्रेकर को ठोक करके ट्रिप करा दिया, ब्रेकर को ठोक करके मैनुअली ट्रिप करा दिया, तो ये क्या होगा, ये जो कमांड दे रहा था ये नहीं देगा। अब क्या हुआ कि AC सर्किट आई और AC पावर आई और स्प्रिंग को चार्ज करा दिया, तो स्प्रिंग को चार्ज करा देगा तो ये क्या होगा, ये भी जो कमांड मिल रहा था स्प्रिंग चार्ज होता ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम क्या थी कि यहां से लगातार पॉजिटिव कमांड आ रही थी, तो अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाए तो K75 ड्रॉप हो जाएगा। तो जैसे ही एक बार इसको सिग्नल मिलेगा वैसे ही ये अपना एक होल्डिंग सर्किट के थ्रू परमानेंट सप्लाई ले लेगा, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर में देखा था, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अपना होल्डिंग सर्किट अपने ही NO कॉन्टैक्ट के माध्यम से कमांड लेना, ठीक है। जैसे ही एक बार कमांड मिल गया अपने NO कॉन्टैक्ट के माध्यम से इसने और भी कमांड लगातार कमांड ले लिया, अब ये जैसे ही पिकअप हो गया तो ये भी पिकअप हो गया। अब जब तक यहां से पॉजिटिव आता रहेगा ये दोनों अपना स्टेट चेंज भी कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ अपने NO कॉन्टैक्ट से इसको कमांड लगातार मिलता रहेगा और ये एंटी पंपिंग तब तक एनर्जाइज रहेगा जब तक यहाँ से परमानेंट पॉजिटिव किसी भी कारण से कंटिन्यूअस पॉजिटिव, नॉट परमानेंट, कंटिन्यूअस पॉजिटिव जब तक कि आता रहे। तो ये कब रिसेट होगा, जिस समय में क्या है कि K75 को पॉजिटिव इस पॉइंट से मिलना बंद हो, मतलब ये जो लगातार आने पॉजिटिव के आने का प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम जब खत्म होगा तभी ये ऑन होगा, तभी ये डी एनर्जाइज होगा, सॉरी तब तक ये ऑन रहेगा जब तक लगातार आएगा, और जैसे ही आना बंद होगा तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोजिंग सर्किट का प्रोडक्शन करने के लिए K75 बेसिकली यहाँ पर बैठा हुआ है और ये हमेशा जो है क्लोजिंग सर्किट के पैरेलल में बैठा रहता है, हमेशा कहाँ, क्लोजिंग सर्किट के पैरेलल में बैठा रहता है, ठीक है। ऐसा एंटी पंपिंग का कंपोनेंट आपको हर जगह मिलेगा, 33 के वी ब्रेकर में भी मिलेगा, 132 के वी ब्रेकर में भी मिलेगा और 220 के वी के ब्रेकर में भी मिलेगा। 220 का ब्रेकर है, तीनों पोल अलग अलग हैं तो तीन अलग अलग कंपोनेंट होंगे। ध्यान रखिएगा ये एंटी पंपिंग पर क्लोजिंग कॉइल है, चूंकि 132 और 33 के ब्रेकर वगैरह में एक ही क्लोजिंग कॉइल होता है और 220 में भी इनफैक्ट एक ही क्लोजिंग कॉइल होता है, तो पर क्लोजिंग कॉइल है, एक क्लोजिंग कॉइल के लिए 1.75, 1K75 एक एंटी पंपिंग। 220 में क्या है, तीन अलग अलग क्लोजिंग कॉइल, सॉरी तीनों पोल के लिए तीन अलग अलग क्लोजिंग कॉइल है, तो
तीन के 75 होंगे, उनको के 75 आर वाई बी से डिनोट किया जा सकता है, ए बी सी से, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है हमारा क्या हुआ, गैस प्रेशर लॉकआउट देख लिए, ब्रेकर ऑक्सिलरी एनसी देख लिए, स्प्रिंग चार्ज लिमिट देख लिए और एंटी पंपिंग देख लिए, ठीक है। अब जो है डीसी सप्लाई की इस तरीके की बातें हो गई। अब चलिए इतना तो हमें सर्किट पता चल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि ये लोकल और रिमोट से ऑपरेशन का क्या खेला है। चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए अब जो हम लोग कैसे देखेंगे भाई, लोकल रिमोट से कैसे होता है, यहाँ परमानेंट पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ परमानेंट नेगेटिव सप्लाई, परमानेंट नेगेटिव सप्लाई क्लोजिंग कॉइल को मिला और पैरेलली किसको मिल गया, K75 एंटी पंपिंग को, ठीक है। एक सर्किट ऊपर थे, क्लोजिंग कॉइल का सर्किट आगे देखे क्या, 52 मतलब ब्रेकर का एनसी, S16 मतलब स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच का जो है क्या है, स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच का जो है NO कॉन्टैक्ट, मतलब जब चार्ज होगा स्प्रिंग तभी कंडक्ट करने देगा। K75 मतलब एंटी पंपिंग का NC कॉन्टैक्ट, मतलब ये जब ये डी एनर्जाइज होगा तभी कंडक्ट करने देगा। और उसके बाद आया, उसके बाद आया यहाँ किसके इंतजार में, पॉजिटिव के इंतजार में, ठीक है। उसी तरीके से K75 भी इन तीन कंडीशंस को, 52 का NO मतलब ब्रेकर अगर क्लोज होगा तब कंडक्टिंग, S16 मतलब स्प्रिंग चार्ज का NC मतलब स्प्रिंग अगर चार्ज नहीं है तब कंडक्टिंग, K75 का NO मतलब K75 पिकअप है तब कंडक्टिंग, ठीक है। तो वहां से आया और ये भी पॉजिटिव के इंतजार में है। और तीसरा कहाँ से आया, ये TNC लोकल लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, TNC लोकल मतलब ब्रेकर के अंदर का TNC स्विच, कई जगहों पर पुश बटन भी दिए रहते हैं, कई जगहों पर TNC स्विच भी लगा होता है, दोनों एक ही बात है। पुश बटन होगा तो दोनों अलग अलग होगा, एक टी के लिए अलग और सी के लिए अलग, ठीक है, ट्रिप के लिए अलग, क्लोज के लिए अलग। और क्या होगा दूसरा, क्या है, CP कंट्रोल पैनल का TNC स्विच, रिमोट जिसको लिख रहा है, कंट्रोल पैनल का CP मतलब कंट्रोल पैनल, TNC स्विच ये, ठीक है, ये भी आकर यहीं जुटा, ये तीनों जो है TNC स्विच, ठीक है, ये यहीं पर जुटा। अब क्या है, नेगेटिव का इंतजार कौन कौन कर रहा है, नेगेटिव किससे किससे आ रहा है, क्लोजिंग कॉइल से और K75 से, दोनों से इस पॉइंट तक नेगेटिव आ रहा है। और इस पॉइंट पर आने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, कमांड का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको जब पॉजिटिव कमांड मिलेगा तो हम क्लोजिंग कॉइल करेंगे। अगर सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई और सारे हेल्दी कंडीशंस को बनाते हुए कमांड मिलेगा तो क्लोजिंग कॉइल एक्चुएट होगा, और अगर इनमें से कोई भी एक गलत कंडीशन मिल गया तो क्लोजिंग कॉइल के बजाय एंटी पंपिंग एक्चुएट हो जाएगा, ठीक है। बात है पॉजिटिव मिलेगा कैसे, तो पॉजिटिव मिलने के दो रास्ते हैं, क्या क्या, एक रास्ता क्या है कि लोकल TNC से, लोकल TNC को जैसे ही सी की ओर घुमाएंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। तो क्या लोकल TNC के पास परमानेंट पॉजिटिव अवेलेबल है, नहीं, लोकल TNC के पास पॉजिटिव कब अवेलेबल होता है, जब लोकल रिमोट स्विच लोकल पे घुमा रहेगा, लोकल रिमोट स्विच ब्रेकर के अंदर होता है, जब लोकल पे घुमा रहेगा तो ये अपने पास मिला हुआ परमानेंट पॉजिटिव जो है उसको क्या करेगा, लोकल TNC के पास भेजेगा। और जब ये LR स्विच रिमोट पे घुमा रहेगा तो ये जो पॉजिटिव है इसको यहाँ से आगे नहीं भेजने के बजाय इस रास्ते से आगे भेजेगा, मतलब कंट्रोल पैनल के लिए TNC स्विच के पास भेजेगा। अब ये जो रास्ता है डॉट डॉट दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल पैनल स्विच के पास सीधा चला जाता है, इसके पहले कंट्रोल पैनल में भी जा करके कुछ रिले के इंटरलॉक्स लगे होते हैं, कुछ कंडीशंस वहां भी देखे जाते हैं, सेटिस्फाई कराए जाते हैं, उसके बाद जो है इस TNC स्विच पर कमांड जाता है। किस बार, कंट्रोल पैनल वाले की बात कर रहे हैं। अब कमांड क्या हो, अगर लोकल पे घुमा हुआ तो ये TNC स्विच जैसे ही सी की ओर घूमेगा तो क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, अगर सारे कंडीशंस ठीक हैं तो, अगर कंडीशंस ठीक नहीं है तो K75 एनर्जाइज हो जाएगा, एंटी पंपिंग हो जाएगा, ठीक है, एनर्जाइज। जब रिमोट की ओर घुमा होगा तो यही पॉजिटिव जो है यहाँ से कंट्रोल पैनल के TNC के पास चला जाएगा, जैसे ही कंट्रोल पैनल में यूजर TNC स्विच को सी की ओर घुमाएगा तो ये कमांड जो है यहाँ से घूम करके आकर के फिर इस क्लोजिंग कॉइल को मिल जाएगा। तो बस इतना ही। तो क्या होता है, इसी पॉइंट से जो है रिमोट क्लोजिंग के लिए भी मंगा सकते हैं सिग्नल, और इसी पॉइंट से चाहे तो हम लोकल क्लोजिंग के लिए भी सिग्नल मंगा सकते हैं। इस तरीके के ड्राइंग में एक और भी चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम पूरा नहीं ड्रॉ करते हैं, सिर्फ CC करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल लगाया, एक NC लगाया, एक जो है स्प्रिंग चार्ज का S16 लगाया, एक 52 का NC लगाया, क्लोजिंग कॉइल लगाया, 52 का NC लगाया, S16 लगाया, एक K75 का NC लगा दिया, ठीक है। अब क्या है कि इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, LR स्विच यहां से चाहे तो इधर भी जंप करा सकते हैं। कैसे जंप करा सकते हैं भाई, कि यहां पर ये सारी इस जगह पर आकर के और दो पॉइंट निकाल दीजिए, ऐसा भी कहेंगे किसी किसी ब्रेकर में आपको मिलेगा। क्या होगा, LR स्विच ऐसे करके अलग अलग बट गया, LR स्विच है दोनों, एक लोकल के लिए और एक रिमोट के लिए, मान लीजिए लोकल के लिए ऑपरेशन इसमें होना है, तो जब ये लोकल के लिए ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या चला जाएगा, लोकल TNC को, TNC
लोकल लोकल टीएनसी को चला जाएगा, मतलब लोकल टीएनसी के पास से जो पावर है वो एलआर स्विच जब लोकल पे होगा तो ऐसे आ जाएगा, और यही एलआर स्विच जो है जब रिमोट पे रहेगा तो इससे निकलने वाला जो वायर है, इससे निकलने वाला जो वायर है ये कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल पैनल के टीएनसी को, टीएनसी किसके, कंट्रोल पैनल के, सीपी रिमोट वाले को, सीपी नॉट सीआर, सीपी कंट्रोल पैनल के टीएनसी स्विच को, क्या ये कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है, ठीक है, सीपी कंट्रोल पैनल के टीएनसी स्विच को चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल पैनल के टीएनसी स्विच के पास अपने रिले के इंटरलॉक्स को पार करने के बाद जो पॉजिटिव आता है, जैसे ही कंट्रोल पैनल का पॉजिटिव आएगा तो ये, तो ब्रेकर के ड्राइंग में ये क्या हो जाएगा, रिमोट क्लोज का पॉइंट और लोकल क्लोज का पॉइंट अलग से ब्रेकर के ड्राइंग में नहीं दिखाया जाता है, तो ये पॉइंट जो है ब्रेकर के ड्राइंग में कहीं कहीं पर रिमोट क्लोजिंग का पॉइंट करके भी दिखाया जा सकता है, मतलब ये एलआर स्विच आगे भी रख सकते हैं और ये एलआर स्विच टीएनसी के बाद जंप भी करा सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये एलआर स्विच जो है आगे भी हो सकता है और टीएनसी के बाद भी जंप हो सकता है, इस केस में पहले एलआर मिल गया है, इस केस में क्या है पहले, इस केस में पहले क्या है एलआर मिल गया है, इस केस में पहले क्या है टीएनसी मिल गया है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। बेसिकली जब सीरीज सर्किट होती है तो किसी भी कंपोनेंट को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप क्लोजिंग सर्किट जो है बहुत कंफर्टेबली और बहुत जो है आसानी से लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशंस है, कोई हमारे मिस्टेक्स है, मुझे बताएं, मुझसे बात करें, मुझे हौसला बढ़ाएं मेरा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, नॉलेज शेयरिंग की इस दिशा में मेरा साथ दें, धन्यवाद। अगला एपिसोड हम लोग जो है इसके बाद ट्रिपिंग सर्किट के ऊपर करेंगे। आई होप कि ट्रिपिंग सर्किट जो है ये इससे काफ़ी जो है रिलेटिवली ईजी लगेगी आप लोगों को। हम लोग धीरे धीरे करके ट्रिपिंग सर्किट को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिकेशन सर्किट में चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, ईश्वर सबकी रक्षा करें।